आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स, आज हम पुष्पक्रम के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। पुष्पक्रम के कितने प्रकार होते हैं हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम पुष्पक्रम के जो तीन प्रकार है उनका पहला प्रकार पढ़ेंगे। पहला प्रकार होता है रेसिंग होस, यानी कि नसी मार्सी पुष्पक्रम। सामान्यतः जितने प्लांट्स हैं उनका प्लांट्स में मैक्सिमम तीन प्रकार के इंस्ट्रूमेंट पाए जाते हैं, असीमाक्षी पुष्पक्रम, ससीमाक्षी पुष्पक्रम और विशेष प्रकार के पुष्पक्रम। तो उसी कड़ी में पहला प्रकार हम पढ़ रहे हैं रेसिमोस, यानी कि असीमाक्षी प्रकार का पुष्पक्रम। ये पुष्पक्रम सामान्यतः निम्न प्रकार का होता है। इसमें पहला प्रकार है रेसिमोस रेसिम, यानी कि असीमाक्ष पुष्पक्रम। इस प्रकार के पुष्पक्रम का पेडंकल यानी कि पुष्पावली ग्रंथ लंबा होता है। जो पुष्प होता है उसकी विशेषता ये होती है कि पुष्प पेडिसिलेट होता है, बाइसेक्सुअल पुष्प होते हैं और सभी पुष्प एक्रोपिटल क्रम में लगे हुए पाए जाते हैं। और इनके उदाहरण हमें मूली, सरसों यानी कि क्रूसिफेरी फैमिली में अधिकांश देखने को मिलते हैं। दूसरा प्रकार है कंपाउंड रेसिन, ये होंगे असीमाक्ष। इसमें भी पुष्पावली व्रत लंबा होता है, लेकिन यहाँ पर पुष्पावली व्रत साकिर होता है, जबकि रेसिम यानी कि असीमाक्षी असीमाक्षी के पुष्पक्रम में पुष्पावली व्रत केवल लंबा होता है, साकिर नहीं होता है। पर प्रत्येक शाखा पर यहाँ पर रेसिम टाइप के पुष्पक्रम लगे हुए पाए जाते हैं। अर्थात इसमें भी जो पुष्प होते हैं वो पेडिसिलेट होते हैं, यानी कि सेम रंग होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, द्विलिंगी होते हैं और सभी एंड्रोपिटल ऑर्डर में लगे हुए पाए जाते हैं। और इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं सामान्यतः गुलमोहर में, अमलदास में और लिप्टा में, गुलमोहर दिलाना सिलेजिया और एशिया फिस्टुला में। तीसरा प्रकार आता है असीमाक्षी का स्पाइक। इसमें पुष्पावली ग्रंथ लंबा होता है, लेकिन यहाँ पर जो पुष्प होते हैं उन पुष्प में व्रंथ नहीं पाया जाता है। अर्थात जो पुष्प होते हैं वो अव्रंथ होते हैं, अर्थात सेसाइल होते हैं। सभी पुष्प बाइसेक्शन होते हैं, द्विलिंगी होते हैं और एक्रोपिटल ऑर्डर में लगे हुए पाए जाते हैं। इसके उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं लट जीरा में और होटल ब्रश क्लिस्टोमोन में, ये सामान्यतः पाया जाता है। स्पाइक कई मॉडिफिकेशन करके एक दूसरे प्रकार का पुष्पक्रम जिसे हम कंपाउंड स्पाइक कहते हैं। इस कंपाउंड स्पाइक में पुष्पावली व्रत लंबा होता है, स्पाइक के जैसा होता है, लेकिन स्पाइक और कंपाउंड स्पाइक में अंतर यह होता है कि स्पाइक में पुष्पावली व्रत लंबा होता है और असाकित होता है, जबकि यहाँ पर पुष्पावली व्रत लंबा होता है और साकित होता है। ये सामान्यतः पालक और टोलाई में देखने को मिलते हैं। चौथा प्रकार आता है स्पाइक लाइट। स्पाइक लाइट में पुष्पावली व्रत साकित होता है और प्रत्येक शाखा पर स्पाइक के समान पुष्प लगे हुए होते हैं, अर्थात इसे स्पाइक ऑफ स्पाइक लाइट भी कहा जाता है। और ये सामान्यतः घास, जितनी प्रकार की घास होती है सभी में, गेहूं में और मक्का में देखने को मिलता है। मक्का की यदि हम बात करें तो मक्का में सामान्यतः जो नर पुष्प होता है उस नर पुष्प में स्पाइक लाइट प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पुष्पक्रम पाया जाता है, जबकि इसका जो मक्का का मादा पुष्प होता है उस मादा पुष्प में स्पोरैडिक प्रकार का पुष्पक्रम देखने को मिलता है। अगला प्रकार आता है कैटकिन। कैटकिन में पुष्पावली व्रत लंबा होता है, लेकिन अब तक हमने जितने भी प्रकार पढ़े उन सभी में पुष्पावली व्रत दुर्बल नहीं होता है, मजबूत होता है, जबकि यहाँ पर पुष्पावली व्रत दुर्बल होता है और लटका हुआ पाया जाता है और उस पर अव्रंथ पुष्प लगे हुए होते हैं। जो पुष्प होते हैं वो सभी सेसाइल होते हैं, अव्रंथ होते हैं और पुष्प बाइसेक्सुअल नहीं हो करके यूनिसेक्सुअल होते हैं और एक्रोपिटल ऑर्डर में लगे हुए रहते हैं। और ये हमें देखने को मिलता है कुछ पत्र में, मिलों में, ऑक में और सैकूट में। अगला प्रकार आता है स्पेडिक्स। स्पेडिक्स में पुष्पक्रम लंबा होता है, गुदेदार होता है। यहाँ पर भी जो पुष्प होते हैं वो सेसाइल होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं और एक्रोपिटल ऑर्डर में लगे हुए होते हैं। और ये स्पेडिक्स प्रकार का पुष्पक्रम ओनली एक बीज पत्री, केवल और केवल एक बीज पत्री पर होने की देखने को मिलता है, उन्हीं में ये पाया जाता है। यहाँ
स्फटिक प्रकार के पुष्प में नीचे की और मादा पुष्प लगे होते हैं, मध्य में स्त्रीलिंग पुष्प लगे होते हैं, वृंत पुष्प लगे होते हैं और ऊपर की तरफ जो है नर पुष्प उसमें पाए जाते हैं। और ये सामान्यतः केला है, अरबी है, ताड़, नारियल और खजूर इन सभी में देखने को मिलते हैं। इसी में यदि हम मक्का की बात करें तो मक्का में भी स्फटिक प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, लेकिन मक्का में जो पुष्पावली व्रत होता है वह कठोर होता है और उसे भुट्टा कहा जाता है। अगला प्रकार आता है कौरेम। कौरेम में पुष्पावली व्रत लंबा नहीं होता है, छोटा होता है और पुष्प व्रत जो नीचे की तरफ के जो पुष्प व्रत होते हैं वो बड़े होते हैं, ऊपर की तरफ के जो पुष्प व्रत होते हैं वो छोटे होते हैं और सभी पुष्प व्रत एक समान ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। और ये उदाहरण सामान्य में कानी में देखने को मिलता है। इसी में कंपाउंड कौरेम भी पाया जाता है और कंपाउंड कौरेम का उदाहरण है फूल गोभी। अगला प्रकार आता है अम्बेल। अम्बेल में पुष्प अपने व्रत छोटा होता है, जो पुष्प होते हैं उसे रंग होते हैं, पुष्प एक समूह में पाए जाते हैं और ये सामान्यतः प्याज और ब्रह्मभूति सेंट्रल एशिया में देखने को मिलता है। इसी में कंपाउंड अम्बेल प्रकार का पुष्प पाया जाता है और ये सामान्यतः अम्बेली शहरी और में अम्बेली शहरी कमेली में पाए जाते हैं। अम्बेली शहरी जैसे की गाजर है, सौंफ है, जीरा है, इन सभी में कंपाउंड अम्बेल प्रकार का पुष्प देखने को मिलता है। तो इस प्रकार आज हमने रेसिमोस टाइप के इनफ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ा। इसी में एक और जो विशिष्ट प्रकार का जो आप यूं कह सकते हैं कि बहुत अधिक डेवलप प्रकार का जो पुष्परम है, उस पुष्परम के बारे में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।